आज हम बनाएंगे मकई चिवड़ा नमकीन। जितना खाने में स्वादिष्ट है उतना ही बनाने में बहुत आसान है, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है और कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए सबसे पहले हम मकई चिवड़ा को तल के निकालेंगे। तो हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे 4-5 मिनट के लिए। अच्छे से गर्म करेंगे तभी फूल के आता है तेज फ्लेम पे। तो देखिए ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो हमने यहाँ मकई चिवड़ा 3 कप लिया है। तो इसको चलिए तल के हम तैयार करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम डालते हुए तल लेंगे। देखिए डालते ही कैसे एकदम फूल के आता है, देख रहे हैं ना, बहुत जल्दी तल जाता है। करीब आपको 20-25 सेकेंड लगता है। तो देखिए ये हमारा हो गया है, अच्छे से तल चुका है। इसको हम एक जाली वाली छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो ना वो फिर वापस छन जाए। ऐसे ही बाकी का जो है सारा हम तल के निकाल लेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते हुए हम सारा डाल के तल लेंगे। तो देखिए ये हमारा सारा तल के तैयार हो चुका है। अब हम मूँगफली को तल लेंगे। तो ये हमारा 1 कप मूँगफली है और ये भी तेल में मूँगफली बहुत जल्दी तल जाता है। करीब आपको 2 मिनट लगेगा, 2-2.5 मिनट में अच्छे से तल के तैयार हो जाएगा। और ये जब तल जाता है ना तो मूंगफली थोड़ी हल्की हो जाती है, तो वो भी समझ में आ जाता है वैसे भी, और ये मूंगफली भी फूटने लगती है। तो समझ जाए कि हो गया। इसको भी हम एक जाली वाली बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमारा मूंगफली तल के तैयार हो गया। अब हम काजू को भी तल लेते हैं। तो इसी झारे में हम डाल देंगे, ये हमारा 1/4 कप काजू है। ये भी बहुत जल्दी से तल के तैयार हो जाता है, हल्का सा थोड़ा सा कलर आए उसके बाद हम निकाल लेंगे। और ऐसे हिलाते रहना है ताकि एक जैसा कलर आए। देखिए हमारा तल चुका है काजू, अब हम निकाल लेंगे इसी में मूंगफली वाले में। और ये हमने आधा सूखा नारियल का गोला लिया है और इसको पतला पतला स्लाइस कर लिया है। और इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज इसमें से कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो देखिए करीब 1-1.5 मिनट में तल के तैयार हो जाता है। तो देखिए कलर आ चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, निकाल लेंगे। और उसके बाद हम अब हम तलेंगे किशमिश। तो ये हमारा 1/4 कप किशमिश भी है, इसको भी डाल के निकाल लेंगे जल्दी से तल के। देखिए फटाक से फूल जाता है, तेल में जाते ही किशमिश फूल के आ जाती है। देखिए ये हमारा तल चुका, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। बहुत जल्दी कलर पकड़ने लगता है तो फटाक से तल के निकाल लें इसको। और आँच को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहें। और अब हम 1 कप हमने लिया है, ये रोस्टेड चना है और इसकी दाल भी आती है रोस्टेड दाल, वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं, ऐसा कोई अंतर नहीं आता। ये 1 कप है डाल देंगे और अच्छे से तल के इसको भी निकाल लेंगे। इसको भी तलने में करीब 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। और ये डालने पे थोड़ा झाग जैसा आता है, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये भुना हुआ है, जल्दी से तल के तैयार हो जाता है, हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो ये चना भी हमने तल के निकाल लिया है और तलने से थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। और उसके बाद हम ये कड़ी पत्ता लिया है 1 मुट्ठी, इसको भी अच्छे से तल के निकाल लेंगे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक, बढ़िया से क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए खुद ही समझ में आ जाता है, थोड़ा टाइट टाइट लगता है। तो ये भी हमारा तल के तैयार हो गया, अब इसको भी निकाल लेंगे और चलते हैं अब हम नमकीन बनाने। तो सबसे पहले हम मसाले को तैयार कर लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच रोस्टेड धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो यहाँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। और उसके बाद हम 1/4 चम्मच डाल देंगे हींग और 1 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच सादा नमक। और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर। अगर आप बड़े चम्मच से ले रहे हैं तो 1 बड़े चम्मच डाल दीजिए। और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। और शक्कर आप जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, 1 चम्मच 1/2 चम्मच जितना आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। और डाल के इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा चटपटा मसाला बनके तैयार है। तो चलिए अब हम नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे ताकि हमें अच्छे से मिलाना बने। तो चलिए अब हम तला हुआ कॉर्न चिवड़ा डाल देंगे, यानी मकई का चिवड़ा, फ्राई किया हुआ चना डाल देंगे और उसके बाद ये काजू मूंगफली नारियल किशमिश सारा डाल देंगे। और लास्ट में हम डालेंगे कड़ी पत्ता और इस पे हम ये जो हमने मसाला बनाया था वो डाल देंगे। हम सारा मसाला डाल देंगे, देखिए
ऐसे सारा मसाला डाल देंगे और उसके बाद हम डाल के अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए हम इसको मिला देंगे ताकि हमारा मसाला पूरा एक में सब में मिल जाए। और ये जो बड़े बड़े चंक्स है ना कॉर्न का, उसको हम तोड़ लेंगे। कोई कोई बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है तो उसको हम तोड़ लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसको। और ये कॉर्न चिवड़ा खाने में बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार लगता है। एक तो झटपट बन जाता है, आप देख ही रहे हैं, सिर्फ इसको तलना रहता है। तल के उसके बाद मसाला मिला दीजिए, आपका कॉर्न चिवड़ा तैयार हो गया। तो लीजिए, ये हमारा मकई कॉर्न चिवड़ा तैयार है। देखा आपने बनाना कितना आसान है, फटाक से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसको बना के रख लीजिए और आराम से महीने दिन तक खाते रहिए। तो अब शाम को चाय के साथ क्या खाना, ये प्रॉब्लम सॉल्व। इसको बना के रख लीजिए और चाय के साथ खाते रहिए। तो इसे आप जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।